नमस्कार एवरीवन, गणेश उत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाई। आज हम आपके सामने हैं एग्जाम पीटी वन जो 24 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, उसकी रूपरेखा डिस्कस करने के लिए। बहुत से पेरेंट्स को डाउट है कि एग्जाम कौन सी कॉपी में लेना है, कैसे लिखना है, तो आज सभी आपकी जितने भी क्यूरीज है उसका सॉल्यूशन हम लोग लेकर आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम कौन सी कॉपी में लेना है। एग्जाम कॉपी अगर आप लोगों ने परचेस की है तो बहुत अच्छी बात है। एग्जाम कॉपी अगर है तो आप उसी में एग्जाम ले, और अगर एग्जाम कॉपी नहीं है तो आप कोई भी रफ कॉपी जिसमें किसी भी सब्जेक्ट के कोई आंसर नहीं लिखे हो वो कॉपी आप लोग यूज कर सकते हैं। नमस्कार सभी को। देखिए कल से एग्जाम स्टार्ट हो रही है 24 मंडे ऑनवर्ड्स, और डेफिनेटली जितने भी बच्चे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रेगुलर हैं, आई एम श्योर उन सभी के एग्जाम पर बहुत अच्छी जाने वाली है। उस एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी क्यूरीज हैं। एक प्रीवियस वीडियो में हमने काफी कुछ क्यूरीज आपकी सॉल्व करने की कोशिश की है, बट स्टिल सम प्रॉब्लम्स। तो आज फिर इस वीडियो के साथ उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज इस वीडियो के अंदर हम आपको जो मंडे को पेपर होने वाले हैं, इट मींस टुमारो 24 अगस्त को जो भी पेपर हो रहे हैं, आज हम हर पेपर वाइज आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियरिफाई करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसको ध्यान से सुनिए। कल की जो आपकी एग्जाम है वो बहुत ही बेहतर जाने वाली है। किस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग आज हम आपको पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी बेसिक क्लासेस से। नर्सरी की बात करेंगे हम पहले। नर्सरी का पेपर जो बच्चों का होगा वो मैक्सिमम 10 मार्क्स का होगा। टाइमिंग इसके लिए रहेंगे 1 आवर, हाफ आवर आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा, या तो जैसे ईमेल वगैरह भेजने में अगर कभी कोई समस्या हो तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी उस हाफ एन आवर में। बट बच्चों को एग्जाम अटेंड करने के लिए 1 ही घंटा दिया जा रहा है। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि नर्सरी की जो मैथ्स की एग्जाम है वो स्क्वायर कॉपी में ही कंडक्ट करें। स्क्वायर कॉपी में लिखने में बच्चों को थोड़ी सी हैबिट होगी, एक हैंड मूवमेंट जो सही बनाना होते है। अभी तक बच्चे वर्कबुक में भी प्रैक्टिस कर रहे थे बट उसमें भी ऑलरेडी स्क्वायर बने हुए थे, तो आप स्क्वायर कॉपी में ही ये एग्जाम ले। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इनका रहेगा, राइट द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें जो भी नंबर्स पीटी 1 सिलेबस में दिए गए हैं वो नंबर्स बच्चों को लिखना है। नंबर ऑलरेडी बच्चे देख के लिखेंगे। बस पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों को क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग गाइड करें, बच्चों की हेल्प कर सकते हैं बट बच्चों को आंसर सेल्फ ही लिखने दें। क्वेश्चन नंबर 2 में इनका रहेगा, मैच द फॉलोइंग में आपको दोनों साइड के नंबर्स लिखना है, सेम नंबर्स मैच करना है बच्चों को, बट मैच द फॉलोइंग में एक चीज का ध्यान रखें कि दोनों ही साइड लिखना है। थर्ड क्वेश्चन इनका रहेगा, सर्कल द नंबर। एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा, बॉक्स के अंदर मिक्स नंबर रहेंगे, वो मिक्स नंबर में से वो पर्टिकुलर नंबर के ऊपर बच्चों को सर्कल करना रहेगा। अब नर्सरी के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ बेसिक चीजें जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस की है, एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। देखिए कुछ बच्चों के प्रश्न मेरे तक पहुंचे थे कि सर अगर इस एग्जाम में चीटिंग होगी तो फिर क्या होगा। तो भाई देखिए, क्वेश्चन पेपर हमने इस तरह से मॉडिफाई किया है कि जहां हम बहुत बेहतर तरीके से आकलन कर पाएंगे एक ब्रिलियंसी का, बहुत बेहतर तरीके से हम आकलन कर पाएंगे एक रेगुलर बच्चे का, और बहुत बेहतर तरीके से आकलन कर पाएंगे एक हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट बच्चे का। देखिए हम लोगों को भी इतना समय हो चुका है पढ़ाते हुए, टीचर्स दे नो वेरी वेल कि भाई चीटिंग करके पेपर किस तरह से लिखा जाता है, एक सेल्फ मेहनत के साथ किस तरह से लिखा जाता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, आप ये बिल्कुल चिंता ना करें कि भाई हमने मेहनत से लिखा है हमारे कम नंबर आए, किसी ने पूरी चीटिंग करके लिखा है उसके ज्यादा नंबर आए। देखिए जब भी फाइनल एग्जाम होना है तो उस केस के अंदर हर चीज बहुत अच्छी तरह से क्लियरिफाई होना है। Is that clear? आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? तो ये दिमाग से टेंशन हटा दीजिए। देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी से किया गया कार्य हमेशा सफल होता है और अंत में वही हमें सबसे बेहतर सुपरिणाम देता है। तो ये चिंता तो होना ही नहीं चाहिए कि भाई वो चीटिंग कर रहे हैं और वो क्या करे, करने तो जिसको जो भी करना है
जो भी जो कर रहा है ना करने दो, जब रिजल्ट्स आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पेपर हमने इसी तरह से मॉडिफाई किया है, क्वेश्चन पेपर को इसी तरह से मॉडिफाई किया है कि जहां डेफिनेटली हम इस चीज का एनालिसिस कर लेंगे कि क्या कौन सही है और कौन गलत है। आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करिए और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके अपनी स्टडी पे फोकस करिए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर स्टैंडर्ड 6 से। देखिए स्टैंडर्ड 6 के सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपकी मैथमेटिक्स की एग्जाम है, फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट का आपका कॉम्बिनेशन है। अब देखिए भाई प्रश्न ये उठता है कि हम तैयारी कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल हमने छोटी सी कोशिश की है, हमने एक प्रैक्टिस पेपर आप तक पहुंचाया है कि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए आपको आपकी एग्जाम के पेपर का, ठीक है। लेकिन देखिए ये एग्जाम के पेपर का आइडिया मिल रहा है, आप डेफिनेटली एग्जाम में कर पाएंगे, लेकिन वो बोलते हैं ना आज हम जो बो रहे हैं वही फसल हम कुछ समय बाद काटेंगे, कुछ वर्षों के बाद काटेंगे। आज की जो आपकी तैयारी चल रही है, आज आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वही रिजल्ट्स आपको फ्यूचर के अंदर मिलना है। तो ठीक है ये पैटर्न आपको बता दिया किस तरह से आपको स्टडी करना है, ये बता दिया बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप 6 में पहुंच चुके हो, आप बिल्कुल अब आपका अच्छा बुरा आप समझ सकते हो। अरे भाई स्टडी होना चाहिए बिल्कुल थॉरली होना चाहिए, बिल्कुल मजा आ जाना चाहिए, कोई किसको कहां से क्या पूछना है कोई पूछे ना हमसे, वी आर रेडी, ये होती है पढ़ाई। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप आपकी मैथ्स की जो बुक है उसको ओपन करिए, थ्योरी के ऊपर पूरा फोकस करिए, थ्योरी को देखते जाइए, अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, अलग अलग तरह की मेथड्स हैं। सबसे पहले तो ये देखिए भाई सीनेट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ओके। सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि सीनेट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपको थ्योरी से मालूम पड़ा। उसके बाद आपके जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ये जो एग्जाम्पल है ये अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है और यही एग्जाम्पल और यही कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आगे आ रही है वो हमारी एक्सरसाइज आ रही है, वो हमारी एनसीईआरटी की हो सकती है, वो आरडी शर्मा की हो सकती है, वो एक्स वाई जेड कहीं से भी आ सकती है, नो प्रॉब्लम नॉट एट ऑल, हम उसके लिए तैयार रहे। तो ये हमारा फर्स्ट पेज होता है कि थ्योरी को बारीकी से पढ़े, एग्जाम्पल को देखें, उसके बाद आपकी यूनिट को ओपन करें। यूनिट को ओपन करने के बाद आपने सपोज करो कि 1.1 को ओपन किया, 1.1 को ओपन किया, 1.1 को देखा, फर्स्ट क्वेश्चन आंख बंद करी, थोड़ा सा सोचा, आंसर दिमाग में आ रहा है, मेथड दिमाग में आ रहा है, स्टेप दिमाग में आ रहा है, यस ये पहला स्टेप, यस दूसरा, यस तीसरा, यस चौथा, पूरा स्पार्क हो रहा है, पूरा कंटिन्यूटी में आ रहा है, इमीडिएटली स्पार्क, यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप बिल्कुल सही है। इस तरह की चीज को आप आपके जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते हैं, नो नीड फॉर द एनी रट्टाफिकेशन। और सपोज करो कि वो दिमाग में नहीं आ रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो देन थोड़ा सा क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को सोचें, उसके बाद उस सॉल्यूशन को देखें, सॉल्यूशन को देखने के बाद पूरी स्टेप बाय स्टेप उसको समझें, कौन सी स्टेप किसके बाद किस तरह से आई है, फिर सॉल्यूशन को बंद करिए और एक बार सॉल्व करके देखिए, बीच में कहीं थोड़ा सा अटक रहे हैं एक बार और देखिए, फिर से बंद करिए, फिर एक बार और कर दीजिए, दैट्स ऑल, ये काम आपका हो गया। ये तरीका मैंने एक नॉर्मल तरीका बताया है, भाई मैथ्स की स्टडी आपको किस तरह से करना है। आप में से मैक्सिमम यही नहीं समझते कि पढ़ाई हम किस तरह से करें, पता है आप लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन को खोल लिया, सॉल्यूशन को देख देख के एक स्टेप देख रहे हैं लिख रहे हैं, दूसरी स्टेप देख रहे हैं लिख रहे हैं, अरे ऐसे पढ़ाई होती है क्या यहां? इस तरीके से आप मैथमेटिक्स को कभी भी नहीं कर पाएंगे। एक मैंने छोटा सा एक तरीका बताया आपको किस तरह से आप स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद आपको थॉरली करना है, तो आपने पूरे कॉन्सेप्ट देख लिए दोनों यूनिट्स के, एक एक एग्जाम्पल्स को आपने देख लिया, यूनिट के एक एक क्वेश्चन को आप, यूनिट के एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को आप देखते चले जाइए, उन क्वेश्चन को देख के जो आपको बहुत बेहतर तरीके से आते हैं, आई क्लोज करने पर पूरा सॉल्यूशन दिमाग में आता है उसको छोड़ दीजिए, जहां पे डाउट रहता है उस पर पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाने के बाद जो मैंने प्रोसेस बताई थी उसी प्रोसेस से एक सॉल्यूशन देखिए, फिर एक बार उसको देख लीजिए सॉल्यूशन को पूरा, फिर क्लोज करिए और एक बार उसको अपने मन से सॉल्व कर दीजिए। यानी जब आपने मैथ्स की अगर दोनों यूनिट का रिवीजन कर लिया है तो आपको मुंह जवानी मालूम होना चाहिए कि इस यूनिट में कितने तरह के क्वेश्चन हैं, कितने कॉन्सेप्ट हैं, कितनी इसके अंदर एक्सरसाइज है और हमको क्या आता है हमको क्या नहीं आता है। अगर इस तरह से आपने पढ़ाई करी तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तो 6 के स्टूडेंट्स, जो आपका बेटा कल आपका जो पेपर आने वाला है, मैं बता दूं आपका जो उस पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन है, आपके पेपर के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 6, कितने क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव, ओके। इसके अंदर आपको मिलेंगे टोटल 5 ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है
फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आप वहां पर देखेंगे पांच आपके क्वेश्चन है, उसको आपको देखना है, उनके नीचे उनके ऑप्शन फोर ऑप्शन है, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको डायरेक्ट लिखना है। रफली आपको इसको सॉल्व करके देखना है, अंडरस्टैंड। सेकंड क्वेश्चन जो आपका आ रहा है, इन केस मीन्स वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बेस के ऊपर है, अंडरस्टैंड। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आपका जो नंबर सिस्टम है, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम, इस बेस के ऊपर है। तो नेशनल इंटरनेशनल सिस्टम आपका बहुत बारीकी से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो अगले दो न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में आ रहे हैं वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो आप देखिए आपकी यूनिट्स को बहुत केयरफुली। और उसके बाद एक मैंने आइडिया बताया है आपके पेपर का, इसके अकॉर्डिंग आप आपकी स्टडी को स्टार्ट करिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप बारीकी से देखिए, नो इम्पोर्टेंट नॉट एट ऑल। आप सोचोगे सर मुझे ये बता दो, हम ये कर ले, इस पे निशान लगा दो, उस पे निशान लगा दो, ये तरीका बदलना पड़ेगा। बदल दीजिए इस तरीके को, ये तरीका बिल्कुल गलत है कि टीचर निशान लगा रहे, वही केवल हम सॉल्व कर रहे हैं। आप पूरी थ्योरी को देखिए और पूरा कंप्लीट आपको सॉल्व करना है। अच्छा, आप टेस्ट कॉपी अगर आपके पास है तो उसी को यूज करना, जैसा मैम ने बताया है सभी कक्षा के लिए कंपलसरी है। बट बाय द वे, अगर जस्ट अभी तक आपने परचेस नहीं किया है तो नेक्स्ट पेपर तक परचेस कर लीजिए। इस पेपर को आप कोई भी कॉपी से पेज निकाल के आप उसमें कर सकते हैं। आपका नाम वगैरह ये वो सब आपकी इन्फॉर्मेशन आपको फ्रंट पेज पे बहुत ही केयरफुली लिखना है और उसके बाद इसको एक फिक्स टाइम के अंदर आपको मेल करना है। ओके, क्लियर सिक्स स्टूडेंट्स? मैंने मेरी तरफ से आपको पूरी चीजें क्लियर कर दी है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अगली क्लास की ओर। केजी फर्स्ट की बात करेंगे हम। केजी फर्स्ट में इंग्लिश का फर्स्ट पेपर है जो 24 अगस्त को है। ये पेपर आपका रहेगा मैक्सिमम 10 मार्क्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कैपिटल लेटर्स से रिलेटेड रहेगा। कैपिटल लेटर्स मिसिंग लेटर्स में भी आ सकते हैं या फिर ए से लेकर जेड तक लिखने के लिए भी आ सकते हैं। ये 4 लाइन कॉपी में अटेम्प्ट करना है बच्चों को। प्रॉपर ऑर्डर में लिखे, पेरेंट्स पॉइंट बना के ना दे, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे नर्सरी से कैपिटल लेटर लिख रहे हैं तो KG1 के बच्चे बिना पॉइंट के ये चीज लिखेंगे। अगर पॉइंट बना के बच्चे लिखते हैं तो उनकी मार्किंग लेस होगी। सेकंड क्वेश्चन में मैच द कॉलम्स होगा। ऑलरेडी PT1 का जो सिलेबस है KG1 के स्टूडेंट का वो कैपिटल लेटर और जेड तक की स्पेलिंग से, तो सेकंड क्वेश्चन बेस्ड रहेगा फिगर एंड वी हैव टू मैच विथ फिगर दैट पर्टिकुलर स्पेलिंग्स। तो फिगर बनाने में बच्चों को दिक्कत आएगी, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है थोड़ा सा पिक्चर बच्चों को ड्रॉ करके दे दे तो बच्चे इजीली मैच कर लेंगे। स्पेलिंग लिखी हुई है, स्पेलिंग से बच्चों को फिगर मैच करना है। थर्ड क्वेश्चन में वर्ड्स लिखना है बच्चों को, स्टार्टिंग लेटर दिया हुआ है उसी से स्टार्ट करके आपको पूरी स्पेलिंग लिखना है। ये केजी फर्स्ट का रहेगा, 4 लाइन कॉपी में ही लिखवाना है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखिए। देखिए स्टैंडर्ड 6 है, अभी मैंने आपसे पूरी डिस्कस की है। अब मैं आपको बता दूं थोड़ा मार्किंग के लिए, टोटल जो आपका पेपर है वो 15 मार्क्स का है। टोटल 15 मार्क्स का है, 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है। इसमें लास्ट के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 फॉर ईच मार्क, मीन्स हर क्वेश्चन जो कंटेन करेगा वो 2 मार्क्स करेगा। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 15 मार्क्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है। बस भाई सीधी बात है, वो मार्क्स 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 1 नंबर में पूछा जा रहा है, 3 में पूछा जा रहा है, 4 में पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता है कि आपको इस चीजों से मतलब होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए कि आपको हर चीज बिल्कुल आना चाहिए, फिर क्वेश्चन किसी भी फार्म में आए। चलिए ठीक है, यहाँ तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आगे जाकर आप बड़े बड़े कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे तो वहां क्या होगा, वहां तो आपको थॉरली करना ही पड़ेगा ना, राइट? तो क्यों ना अभी से तैयारी चालू करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली क्लास, 7th स्टैंडर्ड। 7th स्टैंडर्ड का जो पेपर है वो पेपर है साइंस का। भाई देखिए साइंस का पेपर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है 7th स्टैंडर्ड। और जो इस साइंस का जो आपका पेपर रहेगा, इसकी जो आपको तैयारी करना है उसके लिए मैं बता दूं कि ये भी 15 मार्क्स का रहेगा। 15 मार्क्स के अंदर इसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड, फिल इन द ब्लैंक्स, सब्जेक्टिव बेस्ड सभी तरह के क्वेश्चन है। 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहाँ मिलेंगे, 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे ईच ऑफ 1/2 मार्क्स, तो ये जो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे ये 2.5 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं कि जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, स्प्रिंग पूरी रन करना, इन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कहीं भी ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, स्प्रिंग्स बिल्कुल आपको थरोली करना ही है।
फिर 2.5 मार्क्स के आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स, 2.5 मार्क्स के आपके चूज द करेक्ट, तो इन केस ये आपके हो गया 5 नंबर का। 5 नंबर के बाद आपके 4 मार्क्स के आ रहे हैं शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद आ रहे हैं 6 मार्क्स के लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ईच ऑफ 3 मार्क्स, दोनों ही आपको अटेम्प्ट करना है। शॉर्ट टाइप के अंदर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ईच ऑफ 2 मार्क्स, वो पूरा ही आपको अटेम्प्ट करना है। ये एक प्रॉपर आइडिया है आपके पेपर का। अब मैं थोड़ी सी डिस्कस कर रहा हूं कि भाई आप आपकी स्टडी को कैसे करेंगे। कुछ भी नहीं करना है आपको, साइंस की बुक को ओपन करिए। बुक ओपन करने के बाद देखिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है। पहले और दूसरा अगर दो चैप्टर हमारी सिलेबस के अंदर है, तो इनकेस हमको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज दी हुई है। आप केवल हेडिंग पे जाइए, हेडिंग पे जाने के बाद उस पर्टिकुलर हेडिंग का जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको समझ लीजिए, थारोली समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि सपोज करो कि आपको आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ आ जाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम अगर लिखा हुआ है या हार्ट लिखा हुआ है, तो इनकेस किडनी लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन स्कोप बहुत अच्छी तरीके से समझ के याद करना है। जिस तरह से एक सीरियल देख के कैसे याद कर लेते हो, एक मूवी देख के कैसे याद रख लेते हो, एक गाना सुन के कैसे याद हो जाता है, उसी तरीके से इंटरेस्ट लेके बहुत अच्छे से समझ के, और जहां समझ में नहीं आए आप नेट की हेल्प ले सकते हो, पेरेंट की हेल्प ले सकते हो, और ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है तो हम लोग बैठे हुए आप हमारी हेल्प ले सकते हो। इस तरह से आपके एक एक टॉपिक को आप सिस्टमेटिकली तैयार करते चले जाइए। जब पूरे टॉपिक्स तैयार हो जाए ना, अब फिर क्या बचा है, फिर बचा ये है केवल एक्सरसाइज को वेरीफाई करना है आपको। एक्सरसाइज को रटने की जरूरत ही नहीं है, अरे आपने तो एक प्रॉपर वे के अंदर आपने उस पूरी थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से समझ भी लिया है, और मतलब समझ लिया है इट मीन्स यू कैन फ्रेम इन योर ऑन लैंग्वेज। ऑन लैंग्वेज आपकी बिल्कुल एक प्रॉपर होना चाहिए, ऑन लैंग्वेज में जो आपका शब्दों का चयन है, जो वर्ड सिलेक्शन है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन को देखिए और अपने नॉलेज को वेरीफाई करते जाइए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, नॉट एन इश्यू। कहीं और से क्वेश्चन आते हैं, नॉट एन इश्यू। उस थ्योरी से रिलेटेड कोई कितने भी क्वेश्चन कहीं से पूछ लीजिए। जनरली आप क्या होता है पता है, आप देखते हो कितना बड़ा आंसर है, फिर देखते हो कितने सारे क्वेश्चन है। अरे भैया बंद करो, 7th में पूछ चुके हो, ये सोचना बंद कर दो बिल्कुल। आप केवल फोकस करो उस पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर, और उस थ्योरी के बाद फिर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस लेके, और अपनी थ्योरी को बिल्कुल पूरी तरीके से आप एनालिसिस कर लीजिए कि यार मैंने इतना याद किया, मुझे क्या क्या याद है, राइट और नॉट। अरे जैसे सपोज करो कि आपने रामायण की कहानी को सुना है कि भाई राजा दशरथ थे, है ना, उनके उनकी 3 रानियां थी, उनके 4 पुत्र थे, राइट। अब आपसे कोई पूछता है भाई राम किसके पुत्र थे, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, तो भाई ये कैसे, अरे इसमें कितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर कभी भी आपको फोकस नहीं आना चाहिए कि इतने सारे क्वेश्चन हैं और कैसे करेंगे। अरे भाई आप केवल थ्योरी पे फोकस करो, उस थ्योरी को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, बारीक से बारीक चीजों को याद कर लो, रट्टा बिल्कुल मत लगाओ, समझ के याद करो, बात खत्म होगी कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आए। ये आपको हमेशा काम आने वाला है, 7th में पढ़ रहे तो भी काम आने वाला है, कॉलेज में तो भी काम आएगा, कॉम्पिटेटिव लेवल है तो भी काम आएगा। क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना बंद करो, थ्योरी पे फोकस करो और क्वेश्चंस को उस थ्योरी से वेरीफाई करो। होप यू अंडरस्टैंड। और भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप मैसेज करिए। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारी अगली क्लास की तरफ। केजी सेकेंड का मैथ्स का पेपर है 24th अगस्त को, इसका भी मैक्सिमम मार्क्स 10 रहेगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो मैथ्स की यूनिट 1 से आएगा, जिसमें बिगेस्ट, टिक द स्मॉलेस्ट, टिक द थिकेस्ट, इस टाइप के मटेरियल दे रखे हैं। उसमें कुछ पिक्चर बने हुए आएंगे, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है वो फिगर बच्चों को थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके देना पड़ेगा, उसमें टिक करना है सिर्फ बच्चों को, आप फिगर बना के देंगे और बच्चे उसको टिक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इसमें है राइट द न्यूमरल्स, न्यूमरल्स का मतलब होता है डिजिट्स, नंबर, स्पेलिंग लिखी हुई आएगी और बच्चों को नंबर लिखना है। इसमें भी थोड़ा सा आपको गाइड करना पड़ेगा, स्पेलिंग थोड़ा हो सकता है बच्चों को पढ़ के बताना पड़े आपको, आप सिर्फ आंसर लिख सकते हैं इसका, नो नीड टू राइट क्वेश्चन, आप सिर्फ आंसर लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इनका रहेगा नंबर नेम्स, जो भी सिलेबस में PT1 सिलेबस में आपको प्रिंट होके आया है नंबर्स नेम, उसमें नंबर्स दिए हुए है, डिजिट्स दिए हुए है, मीन्स न्यूमरल दिए हुए है, और आपको स्पेलिंग्स लिखना है।
फोर्थ क्वेश्चन इनका रहेगा राइट मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल में आपका ये रहेगा कि आपको सिंपल एक लाइन में टेबल नहीं लिखना है, आपको मल्टीप्लाई टेबल लिखना है, पूरी टेबल रहेगी। जो भी पीटी वन सिलेबस में आपकी टेबल्स दी हुई है उसमें से कोई एक टेबल बच्चों को लिखना रहेगी। फिफ्थ क्वेश्चन में इनका रहेगा राइट बैकवर्ड काउंटिंग। बैकवर्ड काउंटिंग ऑलरेडी बच्चों को बहुत बार हो चुकी है, इसमें भी ये जो लाइन दे रखी है पर्टिकुलर राइट बैकवर्ड काउंटिंग, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बच्चों से आंसर स्टार्ट करवा सकते हैं। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है स्क्वायर कॉपी में ही एग्जाम दिलवाए बच्चों को ताकि वो प्रॉपर तरीके से लिख पाए। चलिए भाई अब हम अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड 8 सिक्स एंड सेवन। तो आप समझ चुके होंगे सिक्स का जो मैथ्स का पेपर है, सेवन का जो साइंस का पेपर है। अच्छा इसके अंदर ये है कि आप क्वेश्चन नंबर को बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखना है, उस क्वेश्चन नंबर के आगे आप उसे आंसर को लिखिएगा। ओके आप चाहे तो शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं, दिस ऑल द डिसीजन एज पर द टाइम। ओके टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना है। एट अब हम आ रहे हैं मैथ्स के लिए। तो आई थिंक जब मैं एक ही वीडियो है जब मैं सिक्स को मैंने मैथ्स एक्सप्लेन किया तो डेफिनेटली एट वाले भी इस चीज को समझ चुके होंगे। मैं शॉर्ट में एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं भाई, यही करना है आपको। आप एट कक्षा के अंदर पहुंच चुके हो, आपको आपकी यूनिट की एक एक चीज ओरली मालूम होना चाहिए कि इस यूनिट में इतनी चीजें हैं, और वो चीजें जो है उनके नाम भी मालूम होना चाहिए और वो क्या है ये भी मालूम होना चाहिए। कोई मेथड है वो मेथड आपको बिल्कुल ओरली होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस इन्हीं चीजों पे करना चाहिए और उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस करना चाहिए। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि स्टार्ट जो करते हैं हम थ्योरी देखने को तैयार नहीं है, फार्मूले देखने को तैयार नहीं है, कॉन्सेप्ट को सही तरीके से हम रीड कर ही नहीं रहे हैं, और डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर टीचर्स करवा रहे हैं। तो जब टीचर थ्योरी पार्ट पढ़ा रहे हैं या टीचर जब कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं हमको ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये सब फालतू बोरिंग चीजें चल रही है, जब एक्सरसाइज चालू होगी ना तब हम कॉपी पेस्ट करेंगे, उस समय हम कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। अभी क्या करना, हमारी मस्ती चलती है, मजाक चलती है, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते। और लास्ट में ये होता है कि जो न्यूमेरिकल सही मायने में आपको समझना है वो आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं, फिर केवल और केवल उसको लिखने की कोशिश करते हैं। हमेशा कोई सा भी सब्जेक्ट करो और स्पेशली मैथमेटिक्स, आपको हमेशा मालूम होना चाहिए कि एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप कैसे आई है, एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप कैसे आई है, ये आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। कभी भी ये नहीं कह रही आती है और हम इसको रट लें, एग्जाम आएगी तो हमेशा कैसा लिख दें, नहीं, आपको यह मालूम होना चाहिए कि आई है तो कैसे आई है। अंडरस्टैंड? तो एट स्टैंडर्ड आपको मैथ्स की तैयारी को इसी तरीके से करना है, पूरे एग्जाम्पल देखिए, पूरे थ्योरी के कॉन्सेप्ट देखिए, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखिए, जो क्वेश्चन आता है उसको छोड़ते जाइए, जो नहीं आता उसको डॉट लगाइए, डॉट लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं सॉल्व करते बनता है तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन को कॉपी पेस्ट मत करिए, केवल देखिए और देखने के बाद फिर उस क्वेश्चन को मन से करिए। इस तरह से जब आप काम करना चालू करते हैं आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। अच्छा एक चीज और, कोई फार्मूला है कहीं भी कुछ भी बार बार पेज पलट के मत देखो, उसको याद करने की कोशिश करो, याद हो जाए तो उसको सोचने की कोशिश करो। कई बार क्या रहता है जब हमारे पास संसाधन मौजूद रहते हैं तो हम हमारे इस ब्रेन को लोड देना नहीं चाहते, हम लोग क्या करते हैं पेज पलटा और देख लिया हो ना, ये दिस इज द रॉन्ग वे। इसी वजह से यह होता है कि एग्जाम आने तक वो चीजें हमको कहीं से कहीं तक हम उसके पर्टिकुलर चीज में परफेक्ट हो ही नहीं पाते। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा जो मेरे पास मैथ्स का आपका पेपर है उसकी मैं पूरी गाइडलाइन देता हूं। पेपर आपका 15 मार्क्स का है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन है, यहां पर आपको पांच क्वेश्चन है, पांच के लिए आपको चार चार ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, करेक्ट आंसर आपको लिखना है। आप सेंटेंस लिख के भी करेक्ट आंसर लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी करेक्ट आंसर लिख सकते हैं, रफ पेज आपके पास रखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी इनवर्स प्रॉपर्टी बेस है, उस चीज को आप देख लीजिएगा, इनवर्स है आपका, रेसिप्रोकल है। ओके इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपकी नंबर लाइन है, उसके बाद आपको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपकी पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आपको बारीकी से देखना है, इक्वेशन आपको जो दे रखी है उन इक्वेशन के अंदर से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, किस तरह से LHS में क्या करना है, RHS में क्या करना है, कहां से कौन सी चीज किस तरह से मूव होती है, भाई इसी बेस के ऊपर है आपका पूरा कल का पेपर। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी यूनिट्स को बहुत ज्यादा फोकस करिए, पूरे एग्जांपल पर फोकस करिए, और जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आपको देखना है, नो इंपोर्टेंस नॉट एट ऑल। और इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली कहीं से भी हम क्वेश्चन पूछ ले आप उनको बिल्कुल टाइमली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब मूव होते हैं हमारी अगली कक्षा की ओर, स्टैंडर्ड फर्स्ट।
मैथ्स एग्जाम है आपका फर्स्ट, ये भी आपका मैक्सिमम 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें सारे कंटेंट रिलेटेड विद फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट्स। मैथ्स का आपका जो सिलेबस है वो बुक से एडवांस चल रहा है, बुक में 1 डिजिट नंबर्स दे रखे हैं और हम लोग 2 डिजिट पे जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट परफेक्ट है। इसमें आपको न्यूमरल एंड नंबर्स नेम ये क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छे से करना है। इसमें आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, आप सिर्फ आंसर पे फोकस कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी आप आंसर लिख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आफ्टर, बिफोर और बिटवीन नंबर की प्रैक्टिस करना है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप, वो भी आपके पेपर में इंक्लूड है। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू फोकस ओनली ऑन आंसर, आप सिर्फ आंसर लिख सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे जरूर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप करेंगे तो आपको पूरा न्यूमेरिकल लिखना है, उसके बाद ही उसको सॉल्व करना है। आपका ये टेस्ट आपको स्क्वायर कॉपी में देना है, अगर टेस्ट कॉपी है तो आप उसी में दें और अगर नहीं है तो किसी भी रफ कॉपी के 4-5 पेज जितने भी आपको इसेंशियल हो वो लेके आप उसमें एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस ऑलरेडी सभी पेपर्स के साथ दिया हुआ है, आपका आंसर शीट आपको उसी ईमेल पे सेंड करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारी 9 कक्षा के लिए। 9th स्टैंडर्ड आपका भी मैथ्स का पेपर है। कुछ प्रॉब्लम्स जो आपने मुझ तक पहुंचाई थी मैंने आपकी फैकल्टीज को बोला था और डेफिनेटली उन्होंने आपकी जो लास्ट क्लास हुई है उसमें आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। साथ ही जो कुछ स्टूडेंट ने मुझे कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम भेजी थी उसका भी एक स्पेशल फैकल्टीज है मैंने वीडियो बनवा के और आपके ग्रुप में ऑलरेडी डाल दिए थे। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब 9th स्टैंडर्ड को फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम है। भाई अगर आपने प्रैक्टिस की है, आपने अपने डाउट्स निकाले हैं तो आई एम श्योर कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यदि आपने देखा ही नहीं है, आपने उसकी प्रैक्टिस की नहीं है, अप्रैल के अंदर हमने इस यूनिट की डिस्कस कर ली थी, काफी लंबा समय निकल चुका है, बट जिसने अप्रैल में की थी बाद में एक बार और रिपीट कर लिया, मुझे नहीं लगता कि उसको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। बट जिसने नहीं देखा है तो नोबडी कैन हेल्प। अब यहां पर आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 9th स्टैंडर्ड आप जो 9th कक्षा में जब पहुंच चुके हैं तो 9th कक्षा में आपका जो पढ़ने का वे है वो 100% बदल जाना चाहिए। जो 6th, 7th, 8th के अंदर आपने जो वे आपने यूज किया है और आप जो 9th ऑनवर्ड्स आप जो वे यूज करने वाले हैं इट मस्ट डिफरेंट। और वो डिफरेंट क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए आपको फोकस करना है थ्योरी के ऊपर, पूरी थ्योरी के ऊपर आपको बारीकी से फोकस करना है। थ्योरी पे फोकस करने के बाद फिर आपको फोकस करना है आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए एग्जाम्पल्स के ऊपर। जब एग्जाम्पल्स आपके हो जाते हैं फिर आप तीसरे फेज में फोकस करिए आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर। ओके अब देखिए कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमने थ्योरी को पढ़ लिया है, हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए, हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिए, अब बस ठीक है हमारा काम हो चुका है, अब हम 95% अबोव ले आएंगे, तो भाई आप रॉन्ग ट्रैक पे हैं। यह कुछ भी नहीं हुआ है, कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं हुआ है। अंडरस्टैंड, ये तो बहुत एक लाइट आपने किया हुआ है, बस अभी आपने ये किया है कि ठीक है आप 60% तक गेन कर सकते हैं। 60 से अगर आपको ऊपर जाना है तो 9th क्लास के अंदर आपको हाईली स्पेसिफिकेशन के अंदर जाना पड़ेगा और हाईली स्पेसिफिकेशन के अंदर अगर आपको जाना है तो जितने भी आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के और अंदर एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको मुंह जवानी आना चाहिए। आपने क्वेश्चन देखा नहीं कि आपके मुंह से सॉल्यूशन निकला नहीं, किसी ने कॉन्सेप्ट पूछा नहीं कि आपने समझाया नहीं, अरे इसको बोलते हैं पढ़ाई 9th में आने के बाद। अंडरस्टैंड, इस तरह से आपको करना, उसके बाद फिर अब आप जब 60 से 70 पहुंचना है, 70 से 80 पहुंचना है, 80 से 90 पहुंचना है, 90 से 95, 98 या 100 पहुंचना है, यह आपको करना है स्पेशलाइजेशन के अंदर। और स्पेशलाइजेशन में आपको यह करना पड़ेगा कि आपको थारोली उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स मिलते हैं करते चले जाओ। नेट पे बहुत कुछ है, आप यूनिट टाइप करिए, उस यूनिट के कितने प्रैक्टिस पेपर चाहिए आपको इमीडिएट आपको मिलते चले जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आपको पेपर्स मिलते चले जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, उन पेपर को सॉल्व करते चले जाइए, सॉल्व करते चले जाइए, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, 5 पेपर जितनी ताकत है उतने पेपर आप सॉल्व करो। आपको बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको इतनी अच्छी हाईटेक सुविधाएं मिली हुई है कि अब आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं कि जो आप नहीं कर सकते हो या आपको हर समय हर
किसी ने किसी की मदद की आवश्यकता है? नहीं, किसी की नहीं है। अगर आप बहुत एक बेहतर विजन रख के चलते हो, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो और इस तरह से अपने आप को प्रैक्टिस देते चले जाते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत आगे तक जाना है। अरे ये भूल जाओ आप नाइन्थ क्लास में आने के बाद कि जब हमारे टीचर्स हमको वर्क देंगे तो करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजेंगे तो करेंगे, नहीं भेजेंगे तो नहीं करेंगे, जितना दिया है उतना करेंगे। बिल्कुल गलत, पूरी तरह से गलत है। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो, जितना टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो, जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर सकते हो करते चले जाओ, कोई जरूरत नहीं रुकने की। फिर देखो आपको कैसे रिजल्ट मिलने वाले हैं। नाइन्थ और टेंथ में अगर आपने इस तरीके से पढ़ाई कर ली हो, मैथ्स है वो या साइंस है कुछ भी है, उसके बाद देखो आपको कितना मजा आने वाला है इलेवंथ और ट्वेल्थ के अंदर। फिर आईआईटी करना है आपको कि नीट करना है, बोलो क्या करना है। अरे इतना मजा आने लग जाएगा आपके पास कि आपको ऐसा लगेगा कि ये एग्जाम के में मेरा डेफिनेटली सिलेक्शन है, इसमें भी सिलेक्शन है, और चॉइस आ जाएगी कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन पढ़ाई का तरीका बदलो। अभी आप, मैं बताऊं कि नाइन्थ क्लास के हर बच्चे को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और 95% स्टूडेंट जो भी है उनका जो पढ़ाई करने का तरीका इट इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, वो बिल्कुल सही नहीं चल रहा है। तो प्लीज चेंज योर वे और बिल्कुल थरोली करो। मैं यहां कहीं कोई इंपॉर्टेंट की डिस्कस नहीं करने वाला हूं कि भाई ये क्वेश्चन आप कर लो, लेकिन फिर भी आपकी कल जो एग्जाम है इसका जो लाइटली जो पैटर्न है पेपर का मैं आपको बता रहा हूं, 15 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। इस 15 मार्क्स के अंदर आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन जो रहे वो ऑब्जेक्टिव बेस है, 5 नंबर के आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसके बाद आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। फैक्टर फाइंड करते आओ आपको आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन आपका पूरा क्लियर होना चाहिए, पावर कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, एविलिट करने का कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, रेशनलाइज करने का कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, फैक्टराइजेशन करने का तरीका आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। यदि इतनी चीज आपकी क्लियर है तो डेफिनेटली कल के पेपर के अंदर बहुत आप टॉप लेवल पे करने वाले हो। और कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करें और अपनी तैयारी बिल्कुल ऑनेस्टली करें। कल आपका 11:30 बजे पेपर है तो बिल्कुल भिड़ जाइए सुबह 5 बजे उठ के, बहुत समय मिलने वाला है आपको, 5 से 10 बहुत होता है, 5 घंटे सब कुछ तैयारी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, तो बिल्कुल बढ़िया तैयारी करिए और बहुत बेस्ट रिजल्ट दीजिए। ओके, चलिए अब मूव करते हैं हम हमारी अगली कक्षा की ओर। बात करते हैं हमारे सेकेंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की। आपका फर्स्ट पेपर है साइंस का, इसके लिए आपको 1 आवर मिलेगा, हाफ आवर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है जिसमें आप टीचर्स को मेल कर सकते हैं। मेल आईडी ऑलरेडी आपके पेपर के साथ है और हम ग्रुप में भी सेंड कर रहे हैं। आपका साइंस में फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, आपको स्पेलिंग्स अच्छे से याद करना है जितने भी चैप्टर आपके PT1 सिलेबस में है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आप चाहे तो पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, बट अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप सिर्फ आंसर लिख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से आप सिर्फ आंसर भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको मिलेगा टिक द करेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करके आप क्वेश्चन नंबर और आंसर लिख के सिर्फ ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लिख सकते हैं। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है बच्चों को अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आए पढ़ने में तो वो लोग प्लीज गाइड करें। थर्ड क्वेश्चन में आपको मिलेगा मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में दोनों साइड आपको लिखना है, अगर आप चाहे तो लाइन खींचकर मैच कर सकते हैं और वो कन्वीनियंट नहीं लगे तो आप मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बट दोनों साइड आपको दोनों पोर्शन ए और बी लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन आपको मिलेगा क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर में भी सेम चीज है, आप क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट लिखे और डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन केयरफुली पढ़े और उसका आंसर आंसर शीट में लिखकर हमें सेंड करें। हैंडराइटिंग का बहुत ध्यान रखना है, 4 लाइन कॉपी में ही आपका एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना है, और कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए भैया हम अगली कक्षा की ओर चलते हैं, हमारी स्टैंडर्ड 10th और 10th आपकी जो एग्जाम है वो है साइंस, फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर और बायो का एक चैप्टर, टोटल मार्क 15, 5 each 5+5+5=15। ओके, और यहां पर जो आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जा रहे हैं 5 मार्क्स के।
जाकर मुझे ध्यान है इस पेपर के अंदर आपका केमिस्ट्री से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, बायो से भी 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव है और फिजिक्स से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से आपके टोटल है 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आपके क्वेश्चन है, तीन ही यूनिट्स आपस में मिक्स है तो भाई ये मजाक नहीं है, 3 यूनिट्स को सही तरीके से करना। और यहाँ पर बात फिर घूम फिर के वहीं पर आती है कि यदि आप फोकस करेंगे आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन के ऊपर, यदि आप फोकस करेंगे उन क्वेश्चन को रट्टा लगाने के ऊपर, तो आप बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हैं, बिल्कुल गलत डायरेक्शन के अंदर हैं। अब देखिए, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे, ओके। कोई भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता है। जिसने अभी तक इन यूनिट को देखा ही नहीं और वो सोचे कि भाई आज मैं थोड़ा सा पढ़ लूं और कल इस पेपर को मैं कर दूंगा, तो भाई बिल्कुल गलत सोच है आपकी, बिल्कुल गलत सोच है आपकी। ये आपको सिंस बिगनिंग आपको बहुत थरोली स्टडी करना थी, लेकिन अभी भी आप जितना कर सकते हो उतना बेस्ट करो। अभी आपको ये देखना है कि भाई क्या चीजें 3 यूनिट्स के अंदर है, कौन सी यूनिट आपको सबसे ईजी लगती है, क्योंकि सभी का इक्वल वेटेज है। सबसे पहले आप उसको सॉल्व करो और जो यूनिट आपको इन 3 ही में से सबसे टफ लग रही है अभी आप उसको सबसे बाद में करो, क्योंकि अभी सबसे पहले जो आपके सामने जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि भाई आप मैक्सिमम मार्क्स कल के एग्जाम के अंदर गेन कर पाए। तो इनकेस आपको थोड़ी सी आपकी प्लानिंग को कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर थरोली आपको स्टडी करना है तो इनकेस भी आपको वही करना पड़ेगा। साइंस के पूरे कॉन्सेप्ट को एक यूनिट को उठाओ, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ो, अपनी एनसीईआरटी में से पढ़ो, अपनी एनसीईआरटी के अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो इनकेस आप स्पेशल बुक्स के ऊपर जाइए, उस चीज को आप नेट के थ्रू बहुत डीपली जाके आप पढ़ सकते हो। जितना डीप आप पढ़ोगे उतना आपको मजा आने वाला है। तो हर चीज को आपको डीप तो पढ़ना ही पड़ेगा, उस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख के चलिए, बस पढ़ते जाइए, नॉलेज लेते जाइए, एंजॉय करते जाइए, पढ़ते जाइए, नॉलेज लेते जाइए, एंजॉय करते जाइए, एक्सरसाइज को छोड़िए कोई जरूरत नहीं है। अरे आपने जब थ्योरी को इतना एडवांस कर लिया है, इतना ज्यादा उस थ्योरी को डीप में पढ़ लिया है, फिर कहीं से कोई भी कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप डेफिनेटली बता सकते हैं। जो भी अगर आप आपको कोई भी फेवराइट मूवी है, फेवराइट सीरियल है, वो सीरियल 5 साल से चल रहा है या 10 साल से चल रहा है, यदि उसके बारे में अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछू तो आप बिल्कुल बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। अरे भाई क्या आपने उसके नोट्स बनाए हैं, बताइए मुझे क्या नोट्स बनाए हैं। अरे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो तो नोट्स बनाए हैं है कि तप्पू जब 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो वो क्या करता था और कॉलेज में आ गया तो क्या करता है। भाई हो सकता है आपने सिस्टमेटिक नोट्स बनाए हो, नहीं ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मालूम सब कुछ है आपको। कहता है क्यों, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी रेगुलरिटी, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका इंटरेस्ट, ओके, उसने आपको कहीं ना कहीं उस सीरियल के बारे में ज्ञानवान बना दिया है, नॉलेजियस बना दिया है। आपको हर चीज उसके बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, पुराने एपिसोड के बारे में, सब कुछ बारे में, और यहां माला में वहां तक भी ठीक है। आपका बिल्कुल जो माइंड है ना वो कहीं ना कहीं एक मीन्स कंपेरिजन करने लगा है, मतलब कहीं ना कहीं एक जो आपकी तार्किक क्षमता है, आपकी जो एनालिसिस करने की क्षमता है वो डेवलप होने लगी। पुराना अच्छा है, ये बुरा है, वो अच्छा है, ये सब दिमाग में आने लगा, ये सब कैसे हो गया। अरे कोई किसी टीचर ने पढ़ाया है कि लिख लिख के याद किया, नहीं आपका केवल इंटरेस्ट है। भाई यही जगाओ ना अपनी पढ़ाई के अंदर, इसी आनंद से पढ़ो, बस पढ़ते चले जाओ। जो भी चीज उठाइए, इलेक्ट्रिसिटी उठाइए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, राइट अमाउंट, फिर थोड़ा सा सोचने अपनी क्यूरियोसिटी को जगाओ, अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को जगाओ। ये लाइट हमारे घर में आ रही है, बल्ब कैसे जलता है, ट्यूबलाइट कैसे जलती है, सो मेनी थिंग्स आर देयर, घड़ी देनी है कैसे काम कर रही है, मोबाइल है तो कैसे क्या कर रहा है, इसके बारे में जब आपकी क्यूरियोसिटी होगी आप जानने की कोशिश करोगे, जब जानने की कोशिश करोगे तो उसको पढ़ोगे आपको मजा आएगा, आपका ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा और उसके बाद फिर आप बहुत आगे तक पहुंच जाओगे। तो भाई अभी आपको ये करना है कि आप अपनी थ्योरीज को पढ़े 3 ही चैप्टर की, और थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको अपनी एक्सरसाइज से अपने नॉलेज को कंप्रेजन करना है। रट्टा बिल्कुल मत लगाना, हर चीज को समझने की कोशिश करना, अपनी लैंग्वेज के अंदर आपको उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करना है, अपनी लैंग्वेज यानी एक बुकिश लैंग्वेज, मतलब रट्टा नहीं, लेकिन उसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई होना चाहिए, ओके, क्योंकि बोर्ड का आज एग्जाम दोगे और नॉर्मल कई बच्चे क्या पढ़ते हैं पता है, सर इसमें तो लिखा है ना कि स्टूडेंट कैन राइट इन देयर ऑन लैंग्वेज। अरे भाई आपकी तो ऑन लैंग्वेज सही है ही नहीं, आपकी ऑन लैंग्वेज सही नहीं है। ऑन लैंग्वेज का मीनिंग ये होता है कि उस चीज को समझो, समझने के बाद उसको बिल्कुल सही तरीके से आप लिखिए, राइट, मैंने बोला लिखो, फिर मैंने बोला लिखिए, राइट, अंदर आओ, अंदर आइए,
कृपया पधारिए, ये अंतर होता है लैंग्वेज के अंदर, अंडरस्टैंड ऑर नॉट। तो इसी तरीके से आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, तो अपनी लैंग्वेज आपको उत्कृष्ट यूज करना है, चीप और रफ लैंग्वेज आपको कहीं से कहीं तक यूज नहीं करना है। थ्योरी को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, उसको बिल्कुल आनंद लेके याद करो, पूरा इंजॉयमेंट लेके याद करो, ऐसा मजा आ जाना चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, ओके। और उसके बाद ना प्रेशर लेना है एक्सरसाइज का, ना प्रेशर लेना है किसी और चीज का, पूछो किसको कहां से पूछना है, भाई मैंने ओम्स का लॉ पढ़ लिया, पूछो क्या पूछना है, बस दैट इज रिक्वायर्ड। मैंने इलेक्ट्रिसिटी को पूरा पढ़ लिया, पूछो क्या पूछना है, दैट इज रिक्वायर्ड। अंडरस्टैंड ऑर नॉट। मैं थोड़ा सा आपका 10th पेपर पैटर्न आपका मैं पूरी तरह से आपको बता देता हूं, आप देख लीजिए। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि यहां पर जो आपके क्वेश्चंस हैं 5 मार्क्स के 5 आपको ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, कहां से कैसे आ रहे हैं मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट पे ध्यान देना, क्वेश्चन उसके अंदर से पूछे गए हैं, रिमेम्बर दिस थिंग। उसके बाद हमने जो कुछ क्वेश्चन पूछे हैं आपको, यहाँ पर आपके 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन ए है जो ऑब्जेक्टिव बेस है, दूसरा सेक्शन आपका बी है जो सब्जेक्टिव बेस है। यहाँ पर इस बी सेक्शन के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 1 मार्क्स इसके हिसाब से पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं 4 मार्क्स के, अंडरस्टैंड। वो क्वेश्चन को आप देखिए, उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी है, बायो से रिलेटेड भी है और केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन पूरी थारोली कर रहे हैं, बिल्कुल आने वाली कल एग्जाम के अंदर एक भी जो रिएक्शन है बाय नेम वो पूरी तरह आना चाहिए और बैलेंसिंग आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, रिमेम्बर दिस थिंग। उसके बाद जो आपका थर्ड पार्ट है सेक्शन सी सब्जेक्टिव, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं और कोई से 2 अटेम्प्ट करना, मतलब एक चॉइस आपको यहाँ पर मिल रही है, 3 क्वेश्चन है और आपको 2 अटेम्प्ट करना है। इस तरह से जो आपका पेपर है, ये टोटल पेपर आपका कितने मार्क्स का है बच्चों, 15 मार्क्स का है। मैंने पूरा तरीका बता दिया है, एक एक चीज को आपको देखना है, अभी एग्जाम हो जाए उसके बाद हम यहाँ पर भी एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर भी इस चीज को वापस से देखते हैं कि किस तरह से क्या करना है, क्योंकि अभी ज्यादा डीप हम जा नहीं सकते, समय आपके पास कम है, तरीका आपको बता दिया है, जिसका जो लेवल है उस लेवल से वो आगे बढ़ता चले जाए। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करिए। तो भैया 10th का हुआ, अब हम मूव करते हैं हमारी अगली कक्षा की तरफ, अब थर्ड स्टैंडर्ड। यस, थर्ड मैथ्स की बात हम करेंगे। थर्ड मैथ्स में आपके सिलेबस में है 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर्स, इसमें आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, इसके अलावा प्रेडिसेसर सक्सेसर एडिशन सब्ट्रैक्शंस, इन चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आपके फिल इन द ब्लैंक्स जो इसमें आएंगे उसमें आप एक रफ पेपर साथ में रखें, उसमें सॉल्व करके आप आंसर सिर्फ आपके आंसर शीट में लिख सकते हैं, आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। सेम आपको सेकंड क्वेश्चन जो चूज द करेक्ट ऑप्शन है उसमें भी आप एक रफ पेपर साथ में रखें, उसमें आप सॉल्यूशन करें और आपकी आंसर शीट में आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ताकि आपका समय सेव हो। इसके अलावा जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम आंसर शीट में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जो भी सम्स आएंगे उसमें आपको जरूर थोड़ा सा डिजिट्स लिखना पड़ेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन नीचे लिखिए आप। तो ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट प्रेडिसेसर सक्सेसर एडिशन सब्ट्रैक्शंस, ये चीजों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और आपको ये एग्जाम अटेम्प्ट करना है स्क्वायर कॉपी में। आपका मैक्सिमम मार्क्स 10 रहेगा और ईमेल आईडी ऑलरेडी आपको पेपर के साथ मिल जाएगा, उसी पे आपको आपके आंसर शीट सेंड करना है। अपनी हैंडराइटिंग का विशेष ध्यान रखें क्योंकि एक भी नंबर आपने गलत लिखा तो आपकी मार्किंग लेस हो जाएगी, तो हैंडराइटिंग पे विशेष फोकस करें। स्टैंडर्ड थर्ड आप जो पेपर दे लिखेंगे बहुत केयरफुली लिखे, जैसा मैम ने अभी आपको बताया फर्स्ट और सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो ऑब्जेक्टिव बेस है, यहाँ पर आप डायरेक्ट करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को लगता है मेरे पास समय है मैं पूरा सेंटेंस लिखूं फिर आंसर लिखूं, ये आपकी चॉइस है, हमारी तरफ से हम आपको ये प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि आप पूरा सेंटेंस लिख के ही आंसर आपको लिखना है, ये चॉइस इज योर्स, बस अकॉर्डिंग टू टाइम आपको डिसीजन लेना है। रफ पेज आपके साथ में रखिएगा, रफ पेज पे प्रैक्टिस करने के बाद ही आप करेक्ट आंसर निकाल पाएंगे। बाद के जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो नंबर नेम लिखने वाले हो, वो एडिशंस वाले हो, यहाँ पर आपको क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा और उसके साथ आपको उसको सॉल्व करना है। आपको असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो इसको भी आपको सिस्टमैटिक वे के अंदर जाना है। जो भी आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम वगैरह जो भी आ रही है उसको भी आपको बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व करना है। जहां तक मुझे पता है मैं खुद होमवर्क दे रहा हूं आपके थर्ड के लिए, आपके टीचर्स बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, प्रैक्टिस के पेपर्स भी आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, सेकंड आपको आंसर शीट भी पहुंचाई जा रही है,
थ्योरी बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है। और आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के लिए मैं बहुत पहले अपने वीडियोस भी बहुत बेहतर बना के डाल चुका हूं। मुझे नहीं लगता है कि कहीं और आपको डीप एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। डेफिनेटली आप उसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पूरे कंटेंट्स को एक बार रिव्यू कीजिए, सभी चीजों को देखिए और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करिए। पुराने जितने भी पेपर अभी तक टीचर्स ने दिए उनको देख लीजिए, आज का प्रैक्टिस पेपर है उसको देख लीजिए, जो वीक पॉइंट्स है अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर लीजिए, ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है उनको कॉल कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली कक्षा की ओर। फोर्थ स्टैंडर्ड में साइंस का फर्स्ट पेपर है जो 24th ऑफ अगस्त को है। इसका मैक्सिमम मार्क्स 10 रहेगा। इसमें एक चीज का बच्चे ध्यान रखें, आपको लेसन का भी प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, आपको लेसन रीडिंग करना है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको लेसन में से भी पूछे जाए, तो सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस ना करें, थोड़ा सा लेसन भी पढ़ लें। आपका फोर्थ में फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कोई ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं, तो स्पेलिंग अच्छे से याद करें। फिल इन द ब्लैंक्स में आप सिर्फ आंसर लिख सकते हैं। हैंडराइटिंग आपकी नीट और क्लीन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू में आपको ट्रू और फॉल्स मिल रहे हैं। रीड केयरफुली ऑल द सेंटेंसेस, आफ्टर दैट यू कैन राइट आंसर ओनली। आप ट्रू और फॉल्स में सिर्फ आंसर लिख सकते हैं केयरफुली सेंटेंसेस को पढ़ के। मैच द कॉलम्स मिल रहा है आपको फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपको दोनों साइड लिखना है ए एंड बी एंड मैच प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन दैट ऑल्सो आप सिर्फ आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आंसर लिखिए, और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आप आपके आंसर शीट टीचर को मेल करिए। स्टैंडर्ड फिफ्थ मैथ्स जो मैंने अभी डिस्कस किया है थर्ड के लिए, वही भी आपके लिए भी रहेगा। फिफ्थ के लिए भी टीचर्स ने पर्याप्त मात्रा में आपको प्रैक्टिस दिया हुआ है, काफी पेपर आप तक पहुंचे हैं, आपने उनको बहुत बेहतर तरीके से किया है। इस फिफ्थ के लिए आपको हर चीज जो भी कंटेंट्स आपके दिए मैं बताता हूं, आपके जो कंटेंट्स हैं उनको आपको बहुत ही थरोली करना है, उसका प्रैक्टिस आपको आज एक एक बार करना पड़ेगा। यहां पर जो आपका प्रैक्टिस पेपर है उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स बेस के ऊपर है, एज वेल एज चूज द करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक के अंदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। वन एंड हाफ मार्क्स कराएंगे, तीन क्वेश्चन करेंगे, ईच ऑफ हाफ मार्क्स, वो आपको अटेम्प्ट करना है बेस्ड ऑन थ्योरी ओनली। उसके बाद आपके पास रहेगा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर कुछ दिए रहेंगे, वन टू एंड थ्री क्वेश्चन दे रहेंगे, दिस ऑल्सो वन एंड हाफ मार्क्स। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, वो सक्सेसर बेस पे हो सकता है, राइट आपको कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर फ्रेम करना है बाय द गिवन डिजिट, वो हो सकता है, प्रीडिसर सक्सेसर बेस के ऊपर कुछ भी आ सकता है। दिस थिंग्स यू मस्ट हैव टू क्लियर। जो रोमन नंबर्स आपने किए थे उसको आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है। अगले क्वेश्चन पे हम जब आते हैं तो आपको डिवीजन आपके बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। डिवीजन में डिवीजर क्या है, क्वेश्चन क्या है, रिमाइंडर क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, यू मस्ट लर्न वेरी प्रॉपरली। आपको कॉलम के अंदर अरेंज करना है, अरेंज करने के बाद एक प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है, इस चीज के ऊपर आप फोकस करिए। रोमन न्यूमरल्स आपके बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होना चाहिए। रोमन न्यूमरल्स में बेस्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उसकी तैयारी आप बहुत बेहतर तरीके से करिए। इसके बाद आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम के क्वेश्चन रहेंगे उनको देखिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस पे क्वेश्चन देखिए, और आपके जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर मिसिंग नंबर्स वाले हैं, जो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है वो बिल्कुल एग्जाम में आने वाले हैं, उनको आपको बहुत केयरफुली देखना है। अब मैं बात करता हूं आपसे 11th और 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए। देखिए 11th का मैथमेटिक्स का एग्जाम है और बायो वालों का बायो का एग्जाम है, 12th वालों का जो साइंस स्ट्रीम है उनका फिजिक्स का एग्जाम है, और जो स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम के उनका अकाउंट्स का एग्जाम है। इसके लिए मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस इतना ही बोलना चाहूंगा 11th और 12th के लिए कि आपको आपके थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत बारीकी से देखना है। आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर आप अपना पूरा सिलेबस को बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं। उस सिलेबस का जो भी हेडिंग आपको मिल रहा है उसके बाद आपको आपकी एनसीईआरटी के बेस पे उन कंटेंट को एक बार देखना है, और जो रेफरेंसेस है उससे आपको उसका डीप स्टडी करना है, और डीप स्टडी करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ना है। यहां पर 11th और 12th के स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि कई बार 11th और 12th स्टूडेंट को लग रहा है कि हम बहुत बड़े हो चुके हैं,
हमारे जो फ्रेंड्स बोलते हैं वो सही है, जो हम करते हैं वो सही है, तो नहीं भाई ऐसा नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि आप में से 10% स्टूडेंट्स की सोच सही है, 90% इस मामले में गड़बड़ करते रहते हैं। बच्चा बन के रहिए, इट मीन्स सीरियसली लीजिए जो भी चीज आप लर्न कर रहे हैं, वो बायो से रिलेटेड हो, वो मैथ से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो, वो अकाउंट से रिलेटेड हो, टीचर्स की बात को आप ध्यान से सुनिए, उसके बाद रिटर्न वे में उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए। 11 का जो मैथ्स का पेपर है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो 11 का जो मैथ्स का पेपर है उसकी स्पेशलिटी क्या है। 11 का मैथ्स का पेपर आपका 15 मार्क्स का हो रहा है। 15 मार्क्स के अंदर से वही जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आप सीरीज का ध्यान रखिए पूरा। उसके बाद आप एपी सीरीज बेस्ट कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। उसके बाद हम आगे जो बढ़ते हैं तो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आने के बाद आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी है। यहां पर जो आपके क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं, यहां पर आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, लेकिन जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास एक ऑप्शन है, बट 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपके लिए ऑप्शन नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग 11 आपको आपकी स्टडी के ऊपर पूरी तरह से फोकस करना है। जो आपकी यूनिट है बेस्ड ऑन सीरीज, उस पर्टिकुलर यूनिट्स को आपको केयरफुली देखना है, उसके पूरे कंटेंट को एक बार आप वापस से मेमोराइज करिए, फिर से अपनी पुरानी जितनी भी चीजें आप पढ़ चुके हैं उनको आप पूरा रिकॉल करिए, और रिकॉल करने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको आप निकालिए, और निकालने के बाद ये पेपर आपका कैसे जा रहा है नॉट एन इश्यू, लेकिन इस पेपर में आपको क्या प्रॉब्लम आई है, इस यूनिट से रिलेटेड आपको क्या प्रॉब्लम आई है, ये आपको नोट करके रखना है। और जब आपकी रेगुलर क्लासेस चालू होती है तो आपकी जो जो प्रॉब्लम आई है टीचर के साथ डिस्कस करके आपकी प्रॉब्लम आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना है। ये जो एग्जाम है आप यहां पर चीटिंग ना करें, सेल्फ ऑनेस्टी यहां पर चाहिए। ये एग्जाम है आपके सेल्फ एनालिसिस के लिए, ये एग्जाम है आपको अपने आप के बारे में बताने के लिए कि भाई आप कहां सही हैं और आप कहां गलत हैं। तो इस एग्जाम को पूरी ऑनेस्टली आप अटेम्प्ट करिए, और जहां जहां जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको नोट करके रखिए, अपने टीचर से डिस्कस करिए। अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी मेजर लग रही है उस यूनिट के अंदर तो आप डेफिनेटली आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम को पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए। अब हम आ रहे हैं बायो के लिए। जो बायो का पेपर है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि बायो का जो पेपर पैटर्न है, देखिए किस तरह से है बायो का पेपर पैटर्न। यहां पर आप देखिए सबसे पहले आपको आ रहे हैं बायो के पेपर में 1, 2, 3, 4, 5 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं ए सेक्शन के अंदर। बी सेक्शन है आपका सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2-2 नंबर के चॉइस आपके पास नहीं है। उसके बाद आपके पास सेक्शन सी आएगा, सेक्शन सी के अंदर आपके सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, 3 मार्क्स ईच है। यहां पर आपको क्वेश्चन में एक ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जैसे आपका जो क्वेश्चन रहेगा, जो एक पहला क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उन दो में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। पूरा आपकी जो जो थ्योरी से उसको आप बहुत केयरफुली देखिए, जहां जो आपने अभी तक पढ़ा है, मैं यहां पर किसी चीज का नाम लेना नहीं चाहूंगा, तो थ्योरीज को मैं आपको यहां पर क्लियर नहीं करूंगा, क्योंकि आप 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं और आपको आगे बहुत सारी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम भी अटेम्प्ट करना है, आपको आपका करियर बनाना है, और आप इतने समझदार तो हो चुके हैं कि आपका क्या सिलेबस है, उसकी कैसी तैयारी करना है, आपसे बेहतर किसी को कोई नहीं जानता है। तो अपनी तैयारी को पूरी तरीके से रेगुलर रखिए, कल के एग्जाम को पूरी ऑनेस्टी के साथ आप अटेम्प्ट करिए। अब मैं आ रहा हूं 12th पे अकाउंट स्टूडेंट के लिए। अकाउंट स्टूडेंट देखिए जो आपका पेपर है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं आपका पेपर। इस पेपर के अंदर जो 12th स्टूडेंट्स हैं, आपके पेपर के अंदर 1 मिनट आई एम आउटिंग योर पेपर, जो पेपर है आपका वो पेपर आपका 15 मार्क्स का है, रिमेंबर दिस थिंग्स, 15 मार्क्स के अंदर ही आपको ये पेपर को अटेम्प्ट करना है। और इस पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव जो है आपके वो 5 मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव। यहां पर देखिए ये पेपर मेरे सामने आ रहा है आपका 1 मिनट, इस पेपर के अंदर थोड़ा सा हमने चेंज करवाया था, इस वजह से मैं नया पेपर निकाल रहा हूं आपका। यस, पेपर आ चुका है मेरे पास। देखिए यहां पर आपके लिए सभी क्वेश्चन जो है इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट आपको 5 ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं। उसके बाद आपका एक 6 क्वेश्चन आ रहा है जो 2 मार्क्स का है, मतलब फर्स्ट जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, यहां पर 5 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव है। उसके अगला क्वेश्चन है वो आपका 2 मार्क्स का है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है,
ये भी आपका 2 मार्क्स का है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, बैलेंस शीट जो आपको प्रिपेयर करना है, ये आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको रिप्लाई करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी 3 मार्क्स का है। तो देखिए बच्चों, अगर हम ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, इन केस आपके 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए, 6th क्वेश्चन जो आपका है वो 2 मार्क्स का हो गया, 7th क्वेश्चन जो आपका है वो भी 2 मार्क्स का हो गया, क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका वो 3 मार्क्स का है, और जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वो 3 मार्क्स का है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ आपके पेपर को, कि यहाँ पर आपको कहीं भी चॉइस नहीं मिल रही है, आपको आपकी तैयारी बिल्कुल थॉरली रखना है, और बहुत बेहतर पढ़ाई चल रही है अप्रैल ऑनवर्ड्स अकाउंट्स बीएस इकोनॉमिक सभी चीजों की, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी, आप उसको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करिए, एक एक चीज को पढ़िए, जितनी प्रैक्टिस अभी तक करवाई गई, जितना होमवर्क अभी तक दिया है, सभी चीजों को आप एक बेहतर तरीके से फिर से पूरा का पूरा रिवाइज करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमको इन्फॉर्म करिए। तो इस तरह से भाई हम लोगों ने जो अभी एग्जाम आपकी होने वाली है मंडे की, उस एग्जाम के बारे में हमने आपको सभी कुछ बता दिया है, नर्सरी से लेके 12th तक, कॉमर्स स्ट्रीम ऑल्सो, साइंस स्ट्रीम ऑल्सो, ईच एंड एवरीथिंग। अब हमको नहीं लगता कि कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो। शार्ट के अंदर एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए, कि भाई पेपर 15 मार्क्स का है, और 15 मार्क्स के पेपर को आपको प्रॉपर वे के अंदर पीडीएफ बनाकर मेल करना है, मेल आईडी आप तक पहुंच जाएगा, पेपर को बिल्कुल ईमानदारी से अटेम्प्ट करिए, और चीटिंग बिल्कुल मत करिए। और नर्सरी से लेकर 5th तक और कोई गाइडलाइन है मैम आपको एक बार और बता देंगे, और उसके बाद हम आपसे विदा लेते हैं, अगले पेपर के दिन फिर गाइडलाइन देके आपके पास फिर से उपस्थित होंगे। कॉपीज के पैटर्न का ध्यान रखिए, प्राइमरी और प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स जो भी 4 लाइन और स्क्वायर कॉपी में जो भी सब्जेक्ट आप लिखते हैं, आप पेंसिल से लिखते हैं, वो सेम पैटर्न आपको एग्जाम के लिए भी फॉलो करना है। आपके क्वेश्चन पेपर आपको एग्जैक्ट 11:30 के करीब मिल जाएंगे, जो आपको 12:30 तक कंप्लीट करना है, और नियर अबाउट 1:00 यू हैव टू सेंड टू अस बाय ईमेल। आफ्टर दैट आप हैंडराइटिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, और पेरेंट्स का रोल थोड़ा सा प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस में रहेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में बच्चों को डाउट्स रहे, तो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करें पेरेंट्स, स्पेशली प्री प्राइमरी क्लासेस में क्वेश्चंस जो भी इसेंशियल हो, फिगर्स वगैरह, वो थोड़ा सा आप लोग ड्रॉ करके दें, ताकि बच्चे इजीली पेपर को अटेम्प्ट कर पाए। टेस्ट कॉपी में ही एग्जाम देना है, और इन केस अगर टेस्ट कॉपी आप लोगों ने परचेस नहीं की है तो आप रफ कॉपी में बच्चों के एग्जाम ले सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड फॉर फर्स्ट एग्जाम। नमस्कार, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।